सीरीज की शुरुआत में हम सन्नी को देखते हैं। सन्नी पैसे से एक आर्टिस्ट है जो सड़क किनारे खड़े होकर लोगों की पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बनाया करता था। इसके बाद सन्नी अपने नाना जी के प्रिंटिंग एजेंसी में जाता है, जहां क्रांति पत्रिका नाम की एक अखबार छपा करती थी। उसी एजेंसी में सन्नी के बचपन का दोस्त फिरोज भी काम किया करता था। फिरोज प्रिंटिंग करने में काफी माहिर था। फिरोज से सन्नी को पता चलता है कि उनकी अखबार यानी कि क्रांति पत्रिका मार्केट में कुछ खास चल नहीं रही, जिसकी वजह से सन्नी के नाना जी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और हो सकता है कि जल्दी उन्हें ये एजेंसी बंद भी करनी पड़े। अगले सीन में हम सनी को उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या के साथ देखते हैं। अनन्या सनी से 31st नाइट की रात होने वाली ग्रैंड पार्टी में उसके साथ चलने को बोलती है। अब अनन्या एक बिजनेस टाइकून की बेटी थी और सनी भी हमेशा से ही अनन्या की तरह मौज करना चाहता था, इसलिए वो ग्रैंड पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद सनी फिरोज के साथ उस ग्रैंड पार्टी के पासेस खरीदने जाता है, जहां पासेस के दाम सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। पार्टी का ऑर्गेनाइजर सनी और फिरोज के पहनावे से समझ जाता है कि दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो बड़ी ही बदतमीजी के साथ सनी से बात करने लगता है। इसी बात को लेकर सनी और पार्टी ऑर्गेनाइजर में झड़प शुरू हो जाती है, पर फिरोज किसी तरह सनी को संभालते हुए वहां से ले जाता है। अब क्योंकि सनी के पास पासेस खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो अनन्या के सामने बहाना मारकर पार्टी में जाने से मना कर देता है और खुद अपने यहाँ एक छोटी सी पार्टी रखता है, जिसमें उसने अनन्या को भी बुलाया था। अनन्या भी उस पार्टी में आती है और सनी के साथ पार्टी शार्टी करके अपने घर चली जाती है। अनन्या के जाने के बाद फिरोज और सनी एक आखिरी पैग लगा रहे होते हैं। तभी सनी फिरोज से कहता है कि इस दुनिया में पैसों से बड़ा कोई नहीं है, अगर हमने जल्दी ही कुछ न किया तो जिंदगी भर सिर्फ अपने टू व्हीलर का लोन ही चुकाते रह जाएंगे। अगले दिन दोनों कई तरह के बिजनेसेस करने के बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूबर बनने का भी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर करे तो करे क्या। यूट्यूब पर फेक स्ट्राइक्स आने के चांसेस थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिजनेस करने के लिए उनके पास फूटी कोरिया भी नहीं थी। तभी सनी एक 500 की पत्ती का स्केच बनाकर फिरोज के सामने रख देता है। फिरोज सनी से कहता है कि नोट बनाना पेंटिंग्स बनाने जितना आसान नहीं है, और अगर पकड़े गए तो पुलिस वाले किसी भी वक्त बाम्बू लेकर हमारे घर आ जाएंगे। इस पर सनी फिरोज को समझाते हुए कहता है कि अब हमारे पास पैसे कमाने का तो कोई तरीका है नहीं, इसलिए अब हमें खुद ही पैसे बनाने होंगे। और तू इतना घबरा क्यों रहा है, ये 500 की पत्ती भी तो हमारी तरह किसी इंसान ने ही बनाई है और हम तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। इसके बाद सनी हर तरह की नोट को जांचने में लग जाता है और काफी माथापच्ची करने के बाद वो 500 की नकली पत्ती बनाने का फैसला करता है। सनी पैसे से एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट था और साथ ही साथ उसके पास प्रिंटिंग मशीन भी मौजूद था, इसलिए उसे एक करक 500 की नकली पत्ती बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब बारी थी बेटा टेस्टिंग की। दोनों उस 500 के नकली नोट को लेकर एक खंभा खरीदने दारू की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही पियक्कड़ों की भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में फिरोज वाइन शॉप वाले को 500 का नोट पकड़ाते हुए एक खंभा देने को बोलता है। वाइन शॉप वाला जब उस नोट को अपने चीते की नजर से एनालाइज करता है, तब उसे समझते देर नहीं लगती कि वो नोट नकली है। वो तुरंत फिरोज का हाथ पकड़ लेता है, पर फिरोज किसी तरह अपना हाथ छुड़ा कर वहां से भागने में कामयाब हो ही जाता है। तो अपने पहले टास्क में अच्छे से फेल होने के बाद दोनों उन सभी नकली नोटों को आग के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ नेपाल के काठमांडू शहर में हम मंसूर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। मंसूर भी नकली नोट छापने का कारोबार करता था, पर उसने अपना हेडक्वार्टर नेपाल में सेट कर रखा था ताकि इंडियन पुलिस उसे तंग ना कर सके। लेकिन क्राइम ब्रांच के एक सीनियर ऑफिसर मिस्टर माइकल पहले से ही अपनी टीम के साथ वहां काठमांडू में मौजूद थे और मौका मिलते ही मंसूर के ठिकाने पर ढाबा बोल देते हैं। उस वक्त मंसूर अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ नकली नोटों को भारत में सप्लाई करने की निंजा टेक्निक लगा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मंसूर और माइकल के बीच पहले भी कई बार झड़प हो चुकी थी। माइकल जब मंसूर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी पीछे से मंसूर के चमचे माइकल और उसकी टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जवाब में माइकल की तरफ से भी गोलियां बरसाई जाती है, पर इस दौरान मंसूर वहां से भागने में कामयाब हो गया था। इधर सन्नी ने यह पता लगा लिया था कि वो क्यों पकड़ा गया। वो फिरोज से कहता है कि उन्होंने जिस कागज पर नोट छापे थे वो कागज ही बेकार क्वालिटी का था, इसलिए दोनों इस बार उस तरह के कागज को ढूंढने में लग जाते हैं जिससे बिल्कुल असली नोट वाली फीलिंग आए। काफी छानबीन करने के बाद दोनों एक मैगजीन के डबल पेज से एक बार फिर 500 का नकली नोट बनाते हैं। इस बार नोट वाकई में असली मालूम पड़ रहा था। वैसे क्या आप असली और नकली नोट पहचान सकते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब पिछली बार दारू की दुकान पर जो बवाल हुआ था, उस वजह से फिरोज उस दुकान पर जाने से साफ साफ मना कर देता है। तब कोई और चारा ना देख सनी खुद ही उस दुकान पर जाने का फैसला करता है। ऊपर वाले का नाम लेकर जैसे ही सनी उस वाइन शॉप वाले को 500 का नोट धराता है, वो आदमी तुरंत उस नोट को जांचने में लग जाता है। और ये क्या, सनी के हाथ में बियर की बोतल भी आ गई और उसे उसके बाकी के पैसे भी मिल गए।
अपनी सफलता पर दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं और टेम्पो में ही नाचने लगते हैं। अब सनी और फिरोज ने नकली नोटों का इंतजाम तो कर लिया था, पर सारे काम वो खुद नहीं कर सकते। उन्हें उन नोटों को मार्केट में फैलाने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत थी। अगले दिन दोनों सकीब नाम के एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और उन्हें अपना नकली नोट दिखाते हैं। नोट दिखने में बिल्कुल असली लग रहा था, इसलिए सकीब को लगता है कि सनी उससे मजाक करने की कोशिश कर रहा है। तब सनी उसी नकली नोट को कुछ असली नोट के साथ मिक्स करके सकीब के सामने रख देता है और उससे कहता है कि अब मैं भी नहीं बता सकता कि इनमें से नकली नोट कौन सी है। सकीब उस नकली नोट के बदले सनी को 150 रुपए देने का ऑफर देता है और इसी के साथ सनी और फिरोज को उनका पहला ऑर्डर, जो कि पूरे 2 करोड़ रुपए के नकली नोट का था, आसानी से मिल जाता है। अगले सीन में हम सनी को उसके नाना जी के एजेंसी में टाइम पास करते हुए देखते हैं। तभी उसके यासिर चाचा वहाँ आते हैं। सनी उनसे पूछता है कि वो एक दिन में कितना अखबार छाप सकते हैं। सनी की बातें सुनकर यासिर चाचा समझ गए थे कि आखिरकार सनी के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। दरअसल यासिर के हाथ सनी की वो ड्राइंग लग गई थी जिसमें उसने 500 की नकली पत्ती का स्केच बना रखा था। वो समझ गए थे कि सनी अब आगे क्या करने वाला है। सनी अपने यासिर चाचा को समझाते हुए कहता है कि अब उनके पास दूसरा कोई और रास्ता है भी नहीं, और अगर उसने अपने नाना जी का लोन जल्दी ही नहीं चुकाया तो ये एजेंसी भी उनके हाथ से चली जाएगी। यासिर चाचा सनी के द्वारा बनाए गए 500 का नकली नोट पहचानने की कोशिश करते हैं पर पहचान नहीं पाते, इसलिए वो सनी को अपने साथ लेकर एक होटल में चाय पीने जाते हैं और होटल वाले को वही नकली नोट धरा देते हैं। यहाँ भी वो नोट चल जाता है और इसी के साथ सनी को अपना तीसरा पार्टनर भी मिल गया था। अब सनी के सामने सिर्फ एक ही परेशानी थी और वो है पैसों की कमी, क्योंकि नकली नोट छापने के लिए उसे काफी सारे रॉ मटेरियल्स खरीदने थे। इसलिए अगले दिन वो फिरोज को साथ लेकर उस आदमी के पास जाता है जिससे उसके नाना जी ने अपने प्रेस एजेंसी को खोलने के लिए कुछ लोन ले रखा था। सनी उस आदमी से कुछ पैसे उधार मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि पिछला और ये वाला उधार वो अगले 2 महीनों में चुका देगा। लोन देने वाला आदमी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार मान ही जाता है, पर लोन चुकाने के लिए वो सनी को सिर्फ 1 महीने की मोहलत देता है। दूसरी तरफ हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर मिस मेघा को देखते हैं। मेघा एक प्रेजेंटेशन के दौरान अपने सीनियर्स को एक ऐसी मशीन के बारे में बता रही थी जो नकली नोट को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, पर उस मीटिंग में बैठे होम मिनिस्टर गहलोत साहब सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने में लगे हुए थे। उधर कोने में ही CBI ऑफिसर माइकल भी मौजूद था। उसे उस मशीन में काफी दिलचस्पी थी। वह गहलोत साहब से अपनी पुरानी टीम उसे वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि वो मंसूर और उसके चमचों को पकड़कर इंडिया ला सके, पर शायद गहलोत साहब का भी मंसूर के साथ कोई कनेक्शन चल रहा था, इसलिए माइकल के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी गहलोत साहब उसे उसकी पुरानी टीम नहीं देते। इधर फिरोज नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाली उस मैगजीन के कागज को खरीदने के लिए एक एजेंसी में कॉल लगाता है, पर वो सरकारी एजेंसी थी इसलिए कॉल की दूसरी तरफ बैठा सरकारी बाबू कागज ब्लैक में बेचने से इनकार कर देता है। अब सनी किसी तरह उस कागज को पाने के लिए बेताब हुए जा रहा था, तभी फिरोज अपने एक दोस्त अनीस को बुलाता है। वो तीनों उस पेपर फैक्ट्री की बिल्डिंग में दूरबीन लगाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उस रात इंडिया पाकिस्तान का T20 फाइनल चल रहा है, इसलिए सभी चौकीदार फैक्ट्री के बाहर TV लगाकर मैच देखने में लगे हुए थे। तभी अनीस, फिरोज और सनी अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और सभी चपरासियों को बंदी बना लेते हैं। मौका मिलते ही फिरोज और सनी फैक्ट्री के अंदर जाकर मैगजीन वाली कागज चुराना शुरू कर देते हैं। जाते जाते वो दूसरे प्रकार के कुछ ब्लैंक पेपर्स भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि छानबीन के दौरान पुलिस को यह न पता चले कि चोरी स्पेशली नोट बनाने वाले कागज की ही हुई है। इसके बाद फिरोज और सनी यासिर चाचा के साथ मिलकर धड़ल्ले से नकली नोट छापने में लग जाते हैं। जिस प्रकार से सनी मन लगाकर नोट छाप रहा था, अगर उतना ही मन लगाकर वो UPSC की तैयारी करता तो आज शायद IAS YAS बन चुका होता। खैर, 2 दिन लगातार नॉनस्टॉप नकली नोट छापने के बाद फिरोज और सन्नी के सामने नकली नोट से बने 2 करोड़ रुपए का पहाड़ खड़ा था। सकीब भी नोट की क्वालिटी देखकर हैरान था। वो सनी को 150 रुपए प्रति 500 के हिसाब से उसके पूरे पैसे दे देता है। गाइस, सनी को 2 करोड़ के बदले कितने पैसे मिले होंगे जरा हिसाब करके मुझे कमेंट में बताना। सोच रहा हूं कि मैं भी सनी की तरह 100 रुपए के नकली नोट छापना शुरू कर दूं। अब इसके बाद सनी को लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते जा रहे थे और कुछ ही हफ्तों में वो अपने नाना जी की उधारी भी चुका देता है। एक शाम सनी अनन्या के साथ 5-स्टार होटल में मुर्गा भात खा रहा होता है, तभी वेटर बिल लेकर आ जाता है। अब अनन्या को सनी के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पता था, इसलिए वो अपने पापा का क्रेडिट कार्ड वेटर को धरा देती है। ये देखकर सनी तुरंत वेटर के साथ बिलिंग काउंटर पर जाता है और अपने नकली 500 वाले गड्डी से पेमेंट करके अनन्या के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मेघा एक लड़के के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है। दरअसल उस लड़के से मिलने के लिए मेघा की माँ ने ही जबरदस्ती उसे भेजा था, हालांकि मेघा उस लड़के से मिलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तभी मेघा को वहाँ टेबल पर पड़ा एक 500 का नोट मिलता है। वो तुरंत उस नकली नोट को पहचान लेती है और बिलिंग काउंटर पर अपनी ID दिखाकर वहाँ जितने भी लोगों ने कैश पेमेंट किया है उनके बारे में पूछने लगती है। इधर माइकल को TV न्यूज के माध्यम से
पिछली रात पेपर फैक्ट्री में हुई चोरी के बारे में पता चलता है। तभी उसे होम मिनिस्टर गहलोत का कॉल आता है और वो माइकल से कहते हैं कि उसे उनका एक जरूरी काम करना होगा, जिसके बदले वो माइकल को उसकी पुरानी टीम देने के लिए तैयार है। माइकल तुरंत हाँ कह देता है। अब मिनिस्टर माइकल से अपना कौन सा काम करवाना चाहता था? क्या सनी के द्वारा छोड़े गए उस नोट की वजह से मेघा उस तक पहुँच पाएगी, या सनी नकली नोट छापने का बादशाह बनेगा? ये तो हमें इसके अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन हम 13 तारीख को लेकर आने वाले हैं।